बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। दुर्गा सप्तशती का पाठ आम तौर पर नवरात्रि में हर घर में होता है, घर घर में होता है और लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करके देवी की कृपा प्राप्त करते हैं। दुर्गा सप्तशती के जितने अध्याय हैं, हर अध्याय अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा कीमती है और अगर आप पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते तो अपनी आवश्यकता के अनुसार दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्यायों का पाठ करके आप लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती है क्या और इसकी खास बातें क्या हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जिस तरह से वेद अनादि हैं, वेद की उत्पत्ति का काल पता नहीं है, वेद बहुत पहले से प्रकट हुए थे, उसी तरह से मानते हैं कि दुर्गा सप्तशती भी अनादि है। मार्कंडेय पुराण के माध्यम से दुर्गा सप्तशती जन सामान्य तक पहुंची है। मार्कंडेय ऋषि के प्रयासों से दुर्गा सप्तशती के बारे में हम सब परिचित हुए, जानकारी हुई। देवी की उपासना के लिए दुर्गा सप्तशती सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। देवी की पूजा उपासना की जो तंत्र की परंपरा है उसके लिए दुर्गा सप्तशती अचूक है। इसमें देवी की उपासना के 700 श्लोक दिए गए हैं और ये 700 श्लोक जो हैं ये तीन भागों में बांटे गए हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र में केवल पहला अध्याय है, मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय है और जो बाकी के अध्याय हैं सब उत्तम चरित्र में दिए गए हैं। ये जो 700 श्लोक है ना, ये बेसिकली तंत्र के श्लोक हैं, तंत्र साधना के श्लोक हैं और इन श्लोकों में मारण, मोहन, उच्चाटन के, स्तंभन, वशीकरण और विद्वेषण के श्लोक दिए गए हैं। यानी ये जो तंत्र की प्रक्रियाएं हैं जिसमें मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, विद्वेषण, ये तंत्र के माध्यम से किए जाने वाले भयंकर प्रयोग हैं और ये सब श्लोक दिए गए हैं दुर्गा सप्तशती में। लेकिन जब तक आप ये जानेंगे नहीं कि इनका प्रयोग कैसे होगा और कैसे किया जाएगा, तब तक आप इसके तांत्रिक प्रयोग को नहीं समझ पाएंगे और फिलहाल हम भी ये यहाँ बताने वाले नहीं हैं कि आप मारण के श्लोक का कैसे प्रयोग करें, आप वशीकरण के श्लोक का कैसे प्रयोग करें, तंत्र हमारा विषय फिलहाल नहीं है। लेकिन ये जाने रहिए कि दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक जो हैं वो तंत्र की बहुत ही महान एक विभूति हैं और उनका प्रयोग करके तंत्र सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। अब ये जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्याय का महत्व क्या है। दुर्गा सप्तशती के जितने भी अध्याय हैं अगर हम अलग अलग अध्याय का पाठ करें तो उससे क्या फायदा होगा। देखिए, अगर हम प्रथम अध्याय की बात करें, अगर आप पहले अध्याय की बात करें तो पहले अध्याय के पाठ से समस्त चिंताएं दूर होती हैं और पहले अध्याय के पाठ से शत्रु भय दूर होता है, साथ ही साथ शत्रुओं की बाधा निश्चित रूप से शांत होती है, शत्रु बाधा समाप्त होती है। दूसरे और तीसरे अध्याय की अगर बात करें तो इसके पाठ से मुकदमेबाजी में सफलता मिलती है। अगर आप किसी मुकदमे से परेशान हैं, कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है या आपके ऊपर झूठे आरोप लगे हुए हैं तो दूसरे और तीसरे अध्याय का नियमित रूप से पाठ करने से झूठे आरोपों से मुक्ति मिलती है। चतुर्थ अध्याय के पाठ से
अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। अगर आप पुरुष हैं तो आपको अच्छी पत्नी मिलेगी, और अगर आप स्त्री हैं तो आप निश्चित रूप से आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा, आपको अच्छी पत्नी की प्राप्ति होगी। चतुर्थ अध्याय के पाठ से देवी की भक्ति भी प्राप्त होती है, देवी की भक्ति का वरदान भी मिलता है। अगर पंचम अध्याय की बात करें तो पंचम अध्याय के पाठ से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि मेरे घर पे तंत्र कर दिया, मेरे घर पे मंत्र कर दिया और मेरे ऊपर निगेटिव एनर्जी का बहुत ही प्रभाव है, तो इससे बचने के लिए पंचम अध्याय का पाठ करना चाहिए। इसके पाठ से निगेटिव एनर्जी का नाश होता है, साथ ही साथ इससे भय, बुरे स्वप्न और तंत्र मंत्र की बाधा का नाश भी होता है। यानी अगर आपको बहुत डर लगता हो, बुरे सपने आते हों, आपके ऊपर तंत्र मंत्र की क्रियाएं की गई हों, तो पांचवें अध्याय का पाठ करने से आप इससे मुक्त होंगे, आप इससे बचे रहेंगे। छठा अध्याय, इसके पाठ से बड़ी बाधा का नाश किया जा सकता है। अगर आप छठवें अध्याय का पाठ करते हैं तो बड़ी से बड़ी बाधा का नाश कर सकते हैं। चाहे जीवन में आकस्मिक कोई भी संकट आ गया और आपको रास्ता नहीं सूझ रहा है कि आप निकलेंगे कैसे, आप फंस गए हैं, जैसे ही ऐसा लगे आपको, आप दुर्गा सप्तशती के छठवें अध्याय का पाठ करना शुरू कर दीजिए, आप बड़ी से बड़ी समस्या से, बड़ी से बड़ी बाधा से निकल जाएंगे। सप्तम अध्याय, सातवां अध्याय, अगर आप किसी गोपनीय कामना की पूर्ति करना चाहते हैं, कोई सीक्रेट मनोकामना है आपकी और आप उसको पूरा करना चाहते हैं, तो इसके लिए सातवें अध्याय का पाठ करिए। आपके मन में गोपनीय इच्छा है कि मेरी पद प्रतिष्ठा हो जाए, आप गोपनीय रूप से कोई परीक्षा दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप सफलता पा जाएं, तो ऐसी स्थिति में आपको दुर्गा सप्तशती के सातवें अध्याय का पाठ करना बहुत ही ज्यादा लाभकारी रहेगा। अष्टम अध्याय, इसके पाठ से वशीकरण की शक्ति मिलती है। इसका पाठ करने से आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, दूसरे आपके वश में हो सकते हैं, साथ ही साथ नियमित रूप से धन का लाभ होता रहता है। जो लोग फिल्मी दुनिया में हैं या पब्लिक डीलिंग के क्षेत्र में हैं और जो लोग चाहते हैं कि दुनिया उनसे प्रभावित हो, दुनिया उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, ऐसे लोगों को आठवें अध्याय का पाठ करना चाहिए। और आठवें अध्याय का पाठ करने से एक फायदा और भी होगा कि आपको निरंतर रेगुलरली पैसे मिलते रहेंगे। नवम अध्याय, नवम अध्याय के पाठ से संपत्ति का लाभ होता है और खोए हुए व्यक्ति का पता चल जाता है। बहुत कीमती बात है। अगर आपको संपत्ति का फायदा नहीं हो पा रहा है या संपत्ति संबंधी किसी झंझट में फंसे हुए हैं, तो नवें अध्याय का पाठ करिए। कोई आदमी घर से दूर चला गया, उसके बारे में जानकारी नहीं मिल रही है, आदमी वापस नहीं आ रहा है, तो नवें अध्याय का पाठ करिए। इससे खोए हुए व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। दसवां अध्याय, दसवें अध्याय के पाठ से भी गुमशुदा की तलाश होती है, यानी खोए हुए व्यक्ति के बारे में सूचना और जानकारी मिलती है अगर दसवें अध्याय का पाठ किया जाए तो। दसवें अध्याय का पाठ करने से अपूर्व शक्ति और संतान सुख की प्राप्ति होती है, जीवन में काफी शक्ति मिलती है और संतान सुख भी आसानी से व्यक्ति को प्राप्त होता है। ग्यारहवां अध्याय, ग्यारहवें अध्याय के पाठ से हर तरह की चिंता दूर हो जाती है और इससे व्यापार में भी काफी सफलता मिलती है। अगर आपको टेंशन पालने की आदत है, छोटी छोटी बात पे आपको चिंता होती है, तो दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करिए। और अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार में लाभ चाहते हैं, तो भी दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करिए, इससे आपको लाभ होगा।
बारहवां अध्याय। अगर आप बीमारियों से जूझ रहे हैं, बीमारियां आपकी समाप्त नहीं हो रही हैं, तो बारहवें अध्याय का पाठ करें। इसके पाठ से रोगों से छुटकारा मिलता है और साथ ही साथ नाम, यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। अगर आप काफ़ी दिनों से बीमार हैं, आप दवाइयां कर रहे हैं, ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो कम से कम इस नवरात्रि में जितने भी दिन हैं, आप दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करिए। इससे आपके रोग और बीमारियों से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। 13वां अध्याय। 13वां अध्याय एक ऐसा अध्याय है जिसका पाठ करने से देवी की कृपा और भक्ति की प्राप्ति होती है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपको देवी का आशीर्वाद मिले, या बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं देवी का दर्शन करना चाहता हूं, उनका अनुभव करना चाहता हूं, ऐसी स्थिति में 13वें अध्याय का पाठ करने से देवी की कृपा और भक्ति की प्राप्ति होती है और व्यक्ति की हर तरह के संकट से रक्षा होती है, ऐसा देखा गया है। तो दुर्गा सप्तशती के आपकी जैसी जरूरत हो उसी तरह के अध्याय का आप चुनाव कर लीजिए और पूरे नवरात्रि भर में जिस अध्याय को आपने चुना है उसी अध्याय का पाठ करते जाइए, क्योंकि अलग अलग अध्याय से अलग अलग मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो जिस तरह की मनोकामना आपकी है उस तरह की मनोकामना आपकी पूरी होगी।